कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और जश्न भी मनाएंगे। आप वाह वाजपेयी साहब, इस बात का मतलब कहीं और लेके नहीं जा रहा है, और भाषा भी हूबहू वैसी ही है जैसी भगत सिंह की श्रद्धांजलि में इस्तेमाल हुई थी। बाबूजी चलिए। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। और वाजपेयी जी आप, आपके बेटे की करतूतों की ना जांच पड़ताल हो रही, और उसमें आप भी हैं। तोमर साहब, अब तो लगता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि वाजपेयी जी और इनके बाबूजी दोनों भगत सिंह की श्रद्धांजलि में शामिल थे। और इस हिसाब से तो ये लोग अपराधी हुए है ना? तो इन्हें सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए। आपने शायद सुना ही होगा, कोटेश्वर की मिट्टी से बने घड़े और इंसान बहुत मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। और ये कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी बटेश्वर की मिट्टी से ही बना है, टूटेगा नहीं। तोमर साहब आपके दोस्त है ना, जाइए जाकर नए नए कानून बनाइए, पर्चियां लेकर आइए, आदेश बनाकर लेकर आइए और थोपिए हम पर। लेकिन ना हम झुकेंगे ना कभी टूटेंगे, चाहे जो हो जाए। चलो, एक दिन चाय नहीं मिली तो क्या मर नहीं जाएंगे? तोमर साहब, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? क्या हुआ बोलो। साहब, यहां आसपास ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के बाबूजी ने पूजा ना करवाई, और ऐसा कोई भी तकलीफ का वक्त नहीं गुजरा है जब उन्होंने हम लोगों की मदद करने से इनकार करा। वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे। आज आपके डर के कारण हम लोग वाजपेयी जी का साथ नहीं दे पा रहे हैं, पर सच ये है जो हो रहा है वो गलत। और तोमर साहब, हम तो बस यही कहेंगे, आप भी उनके पीछे मत पड़िए। आखिर हमारे अपने लोग ही तो हैं, और तो और बहुत बढ़िया लोग हैं। ए अच्छाई की मूर्ति, क्या हो रहा है ये सब? और तुम ज्यादा ज्ञान मत दो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तोमर साहब आइए चाय पीते हैं। अगर सत्ता अच्छी हो तो हम आत्मसमर्पण करके घर लौट आएंगे अपने लोगों के बीच, और अगर सत्ता में सिर्फ मतलबी अपना ही फायदा देखने वाले लोग रहे तो हम बागी बने रहेंगे। बेटा अटल, चलो घर चले। नहीं दादाजी, मुझे अभी थोड़ी देर यही रहना है। वो डाकू, उनकी बातें, गांव वालों की सोच, सब बहुत अजीब लग रहा होगा ना तुम्हें अटल? इस गुलाम देश में ऐसी कई बातें देखने को मिलेगी जो बहुत अजीब लगेगी। ऐसा काफी कुछ सुनोगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सब बातें सुनकर देखकर ऐसे परेशान होकर बैठना नहीं है, बल्कि इसका निवारण करके आगे बढ़ना है।
नए रास्ते बनाने हैं अटल तुमको। अटल, ये सब बातें सुनकर शायद तुम परेशान हो गए हो, लेकिन सच कहें तो देश की असली हालत अब यही है। अब तो बस यही उम्मीद है कि देश आजाद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुलेखा है मेरी पत्नी। 6 महीने पहले इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। तो तू क्या समझा है कि यहाँ खैरात बांटने के लिए बैठे हैं आप? चल निकल यहाँ। दादाजी, लगता है हमारी आजादी को बहुत चलना होगा, तब जाकर उसे उसकी मंजिल मिलेगी। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये माँ कि अगर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़कर आजादी ले भी ली तो उसे यहाँ गांव तक लाना होगा, तब जाकर गांव वाले आजाद होंगे, उस सेठ की क्रूरता से आजाद होंगे। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वो सेठ अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे जैसा एक हिंदुस्तानी है। सत्ता को राम के राज जैसा होना पड़ेगा, जिसमें कोई भी दुखी ना रहे और सबके साथ समान व्यवहार हो। अच्छा नहीं किया ये वाजपेयी जी ने, बहुत गलत बात है ये। अब मैं 3 दिन का इंतजार तो नहीं करूंगा, आज ही मैं अपने आला अफसर से मिलूंगा और आदेश लेकर शाम तक वापस लौटूंगा। पर इस वाजपेयी फैमिली की तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। बहुत बढ़िया उमर साहब, अगर ऐसा हो गया तो कल दोपहर का खाना हमारे घर पर। चलिए खाना खाइए, भूख नहीं है भाभी, लेकिन थोड़ा तो खाना। मैं समझ सकता हूँ, जैसे हालात है वैसे में भूख नहीं लगेगी, लेकिन हम सबको खाना होगा। चलिए खाना। तुम्हारे बाबूजी है ना? हालात सुधर जाएंगे, खाना खा लेना जरूरी है। अभी भी वक्त है हमारे हाथ में बेटा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाबू जी, कोई रास्ता नहीं है क्या इस मुसीबत से निकलने का? अभी तक तो नहीं मिला। आज भी मैं राजा जी से मिलने गया था लेकिन वो मिले नहीं। शायद देर रात लौटेंगे, कोई बात नहीं, कल सुबह फिर से जाऊंगा। एक बार राजा जी से मुलाकात हो गई ना तो इस बात का वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। चलो खाना खाते हैं। आओ। आज रात आप लोग यहीं रुकना, पहले सभी को खाना खाने दो, उसके बाद मोहल्ले में फैल जाना और सुबह होते ही बाकी सिपाहियों के साथ सब पर बंदूक तान कर डरा कर रखना, और कुछ लोग वाजपेयी जी के घर में घुस जाना और उनके घर के बर्तन उठाकर सबके सामने फेंकना। समझ गए? हाँ सर, समझ गए। वाजपेयी साहब, ग्वालियर में आज आखिरी रात है आपकी, उसके बाद जहाँ बेटे को भेजा है ना वहीं खुद भी चले जाइएगा। अटल, क्या देख रहे हो? माँ, जब से इस गांव में आया हूँ ना तब से बहुत कुछ समझने मिला है, सीखने मिला है और महसूस करने मिला है।
तुम्हें पता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो घर के दरवाजे पर आते हैं और बाहर हो रही बारिश को वहीं से देखकर अंदाजा लगाते हैं ये बारिश कितनी खूबसूरत होगी, और दूसरे पता है कौन? नहीं, कौन? दूसरे वो जो घर से बाहर निकलते हैं, बारिश में भीगते हैं, महसूस करते हैं बारिश के हर एक बूंद को, मिट्टी की खुशबू को। और पता है अटल, महसूस करना अंदाजा लगाने से अधिक कारगर साबित होता है। अब हम इस गांव में आए, तुमने यहाँ के वातावरण को, जीवन को, यहाँ के लोगों को महसूस किया है ना? हाँ। और याद रखना, ये महसूस किए हुए क्षण, ये बातें जीवन भर साथ रहेगी तुम्हारे। एक राय दूँ तुम्हें? जी। जीवन में जब भी मौका मिले, थोड़ा सा भी समय मिले ना, घूमना, बहुत घूमना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना। इससे क्या होता है ना, व्यक्ति का मन, उसके विचारों का विस्तार होता है। कभी कभी ऐसे देखते हो ना, पता ही नहीं चलता कुछ समझ भी रहे हो या नहीं। कुछ समझ रहे हो? जी। अरे अटल, कहाँ जा रहे हो? दूसरे तरह का व्यक्ति बनने। लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो भी मौसम है उसे महसूस करने जा रहा हूं। जा। ऐसी है जीवन की गठरी, सुख दुख साथ समाए, पीड़ाओं की धारा में जो सुख की नाव पर आए, तो सुख है उसने पाए। महाराज जी के पास जाकर आता हूं मैं जानता हूं घर में चाय बनाने तक का भी सामान नहीं आ पाया है। कोई बात नहीं, कल से परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हाँ, आज बिना चाय पिए रह लेना, कल से सब मिलके चाय पियेंगे। चल। बस हम सबको डरना नहीं है, ठीक है? चलो। सबके सब हमारी बातें ध्यान से सुनो, अपने अपने दुकानों से और घरों से बाहर निकलो, बाहर निकलो, सब बाहर आओ, बाहर निकलो। क्या हुआ मेरे? तोमर साहब, क्या हो गया बताते हैं। चलो पीछे पीछे आओ सब, चलो। आए सब लोग, घर से बाहर निकलो। मैंने कहा था ना अभी, घबराना नहीं। क्या हुआ तुम्हारे चाचा? पीछे हट। अरे तोमर साहब, ये क्या कर रहे हैं? खबरदार।
अपनी जगह से कोई भी नहीं देगा। सुनो, इस घर का सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दो। जाओ। ये गलत है वाजपेयी जी, घर पे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं तोमर चाचा, ऐसा मत करो। देख लो गाँव वालों, और कान खोल कर सुन भी लो, ये लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गए थे। वाजपेयी जी और उनके बेटे अटल की नौटंकियां तो चलती रहती है ना, और अगर कोई भी उनके रास्ते पर चला तो उसका भी यही हश्र होगा। तोमर साहब देखिए देखिए, ये सब गलत है। तोमर साहब, हम जानते हैं कि वाजपेयी जी घर पर है नहीं, और आप उनकी अगर एक लफ्ज भी जबान से बाहर आया तो गोली यहां से बाहर आएगी। तोमर चाचा, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हाँ तोमर चाचा, मैं माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए तोमर चाचा। बेटा, ये लफ्ज तब बोलना था जब आपका भाई आपका अटल बगावत पर उतर आया था। बेटा, ये लफ्ज तब बोलना था जब आपके बाबूजी अटल को शह दे रहे, तब तो पूरा परिवार अटल को बहादुर बनाने में लगा हुआ था। अब इस लफ्ज की जरूरत नहीं कि ऐसा मत कीजिए। आपके बाबूजी राजा साहब के यहां गए हो, अगर राजा साहब आप लोगों की मदद कर भी दें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तब तक आप लोगों को और आपके सामान को यहां से बाहर फेंक चुका हूं। तोमर साहब देखिए, ऐसा मत कहिए तोमर साहब। और कौन रोकेगा? ये मोहल्ले वाले, आपके बाबूजी, या फिर वो जिसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, आपका भाई अटल? मैं रोकूंगा आप लोगों को। चीज है ना आपको, तो ये रहा, अब छोड़ दीजिए इन्हें। ठीक, आ गए हो तो थाने चलते हैं। ठीक है, ले चलिए, लेकिन जहां आपको अपना काम करना चाहिए, अपने शासन की ताकत दिखानी चाहिए, वहां तो आपने कुछ नहीं किया। और जैसे आप मेरे घर का सामान फेंक रहे, वैसे ही आप खुद भी एक दिन इस देश से निकाल कर फेंके जाओगे। गुड, बहुत अच्छा। आपके कद से बड़ी तो आपकी जुबान थी, और अब तेवर भी, वाह। फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा।
आपने क्या सोचा था? आप आएंगे और आपको यहाँ सब कुछ ठीक मिलेगा और आप फिर से लोगों को संस्कृति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसा सोचा नहीं था। अगर पता होता कि आप सब ये करने वाले हैं तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं। और अब वापस इसलिए आए हैं क्योंकि हम सबको पता चल चुका था। अटल, डाकिया आया था, चिट्ठी आई थी तुम्हारे नाम से, शायद तुम घर पे नहीं थे इसलिए मुझे दे गया, कहा कि तुम दे दो, ये लो। किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है? अटल, कुछ बताओ तो सही। माँ, वो विद्यालय से जो लड़का है ना, जिसने धोती पहनी हुई थी, उसकी चिट्ठी है। इसमें लिखा है कि बाबूजी ने हमें वहाँ ग्वालियर से क्यों निकाल दिया और वहाँ क्या हो रहा है अब। क्या हो रहा है वहाँ? और तोमर चाचा, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि बाबूजी, भैया, भाभी और पूरा परिवार, इन सबको हम मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते।